दोस्तों, आज हम आपके लिए मित्रता के महत्व को दर्शाने वाली प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास में एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा, हम तुम विवाह कर लेते हैं तो कैसा अच्छा रहे। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? मोर ने कहा, उसका कोई भी मित्र नहीं। तो मोरनी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी अवश्य है। उसने एक सिंह से दोस्ती करी, एक कछुए और एक टिटहरी से भी दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए, और भी कितने पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन शिकारी आया, निंदर कहीं शिकार ना मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गया और सोचने लगा, पेड़ पर चढ़कर अंडे खाकर क्यों ना भूख मिटाई जाए। मोर दंपति को भारी चिंता होने लगी। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा, बस फिर क्या था। टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सिंह समझ गया कोई शिकार है। वह उस पेड़ के नीचे चला गया जहाँ पर शिकारी बैठा हुआ था। इतने में कछुआ भी पानी से निकल कर बाहर आया। सिंह से डरकर भागते हुए शिकारी ने कछुए को ले चलने की बात सोची। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया, शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए। इतने में ही सिंह वहां आ पहुंचा, उन्हें ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी, सो बात काम की निकली ना। यदि मित्र ना होते तो आज हम सबकी खैर ना थी। मित्रता सभी रिश्तों में अनोखा और आदर्श रिश्ता होता है, और मित्र किसी भी व्यक्ति की अनमोल पूंजी होती है। अगर गिलास दूध से भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन उसमें शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास भी दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहते हैं।